गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 6, दैट इज क्लाइमेट इन इंडिया। क्लाइमेट इन इंडिया, इसमें आप पढ़ोगे सीजन, वेदर एंड क्लाइमेट, और इंडिया का क्लाइमेट कैसे है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले, यू मे हैव हर्ड पीपल सेइंग इट इज़ अ सनी टुडे, और यस्टरडे इट वॉज अ क्लाउड ऑल थ्रू द डे। आपने लोगों को कई बार कहते हुए सुना होगा कि ये सनी डे है, कल क्लाउडी डे था। व्हेन पीपल यूज वर्ड्स सच एज सनी एंड क्लाउडी टू एक्सप्लेन हाउ द डे इज, दे एक्चुअली टॉक अबाउट द वेदर ऑफ अ प्लेस एट अ सर्टेन टाइम। जब लोग ये यूज़ कर रहे होते हैं, ये वाले वर्ड्स जैसे सनी, क्लाउडी, तो वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि डे कैसा है, वेदर कैसा है, वो वेदर के बारे में बात कर रहे हैं इस टाइम। What is weather? Weather is a day-to-day change in the atmosphere around us. Weather day-to-day change होता रहता है। The weather of a place may change continuously. ये continuously change भी हो सकता है। It can be sunny one day and cloudy the next day. एक दिन sunny day हो सकता है, next day cloudy. On some days it may snow and on other days it may rain. कई बार, कई दिन तक snow भी गिर सकती है, कई बार rain भी होती है। Weather may even change within a few hours in one single day. Weather कैसे, मौसम कैसे चेंज होता है, एक दिन में कई बार चेंज हो जाता है, घंटों के बाद। Thus the weather tells us about the condition of sunshine, rain, wind, snow and temperature of a place at a certain time. The weather बताता है conditions, temperature एक place का certain time। You may have heard the weather news on television and radio or seen it on the internet. आप weather की news television, radio पर सुनते हो, net पर देखते हो। The information on how the weather will be the next day or in the near future is known as the weather forecast. Information लेना weather के बारे में कि कल कैसा होगा, future में कैसा होगा, future की information लेना, उसे क्या बोलते हैं, weather forecast। A weather forecast is helpful for many people whose work is affected by the weather. Weather उनके लिए बहुत useful है, helpful है, जिन्होंने weather के according जिनका काम चलता है। For example, a farmer may want to know about the temperature at the time of sowing weeds. Weather forecast also warns people about storm, heavy rainfall and bad weather condition of a region. Farmer जैसे जानना चाहता है कि कल temperature कैसा होगा, क्योंकि उसने सीड्स को सो करना होता है। फॉरकास्ट हमें वॉर्न करता है स्टॉर्म के बारे में, रेनफॉल के बारे में, या फिर बैड वेदर कंडीशंस के बारे में। व्हाट इज क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या है? द वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड इट्स क्लाइमेट। जब वेदर कॉन्टिन्यूसली एक जगह पर कहीं टाइम तक रहता है, सालों तक, उसे क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। चेंज नहीं होता। Climate therefore is the usual weather of a place over a long period of time. वही बात है कि बहुत लंबे टाइम तक रहता है। A place that gets little or no rainfall over many years will have a dry climate. Example, जैसलमेर in Rajasthan. एक place जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, फिर बारिश बिल्कुल नहीं होती, dry climate रहता है राजस्थान में। A place that stays cold for most of the year will have a cold climate. Example, Ladakh. एक ऐसा प्लेस जहाँ पर जो कई टाइम तक ठंडा रहता है, उसे बोलते क्लाइमेट, क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ। एग्जांपल, लद्दाख। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डेली बट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस मे नॉट चेंज फॉर हंड्रेड ऑफ इयर्स। जो वेदर होता है किसी प्लेस का वो डेली चेंज होता है, लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो सालों तक चेंज नहीं होता। मे बी द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इन्फ्लुएंस द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल लिविंग हेयर। क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस क्या इन्फ्लुएंस करता है? लोगों का लाइफ स्टाइल, कि लोग वहाँ कैसे रहते हैं। द क्लॉथ्स दे वियर, द फूड दे ईट, द टाइप्स ऑफ हाउसेज दे बिल्ड एंड द क्रॉप्स दे ग्रो लार्जली डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। क्लाइमेट पर डिपेंड करता है लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे खाते हैं, किस टाइप के घर बनाते हैं, कैसी फसलों को बोते हैं, ये सब किस पर डिपेंड करता है? क्लाइमेट पर किसी प्लेस के। For example, people in Tamil Nadu wear loose cotton cloths because a hot and humid climate. Tamil Nadu में लोग cotton के cloths पहनते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर गर्मी है, humid climate है वहाँ का। Meghalaya receives heavy rainfall every year. Meghalaya में बहुत ज़्यादा rainfall होती है। Due to this
reason the roofs of houses in Meghalaya have slopes so that rainwater does not stand on the roofs. इसीलिए मेघालय में रूफ्स कैसी बनी होती है, स्लॉप रूफ बनाते हैं वो, ताकि बारिश का पानी उन पर रूफ्स पर ना टिक पाए. हाउएवर इन राजस्थान विच रिसीव्स वेरी लिटल रेनफॉल हाउसेज हैव फ्लैट रूफ्स सो दैट दे कैन कलेक्ट वाटर. राजस्थान में जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है वहाँ पर लोग कैसी रूफ्स बनाते हैं, फ्लैट रूफ्स बनाते हैं ताकि वो पानी को, रेन वाटर को कलेक्ट कर पाए. थैंक यू. बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.